ओके तो हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप के बहुत ज़्यादा बेस्ट हो ग्रेट। अगर आपका भी इंस्टाग्राम पेज है तो हमने इंस्टाग्राम पेज पे जब बहुत ज़्यादा रील्स वीडियो आप अपलोड करके थक गए हो, तो भी आपका रील्स वीडियो कभी भी वायरल नहीं हो रहा या फिर कभी भी व्यूज आते वो अच्छे खासे व्यूज नहीं आ रहे, राइट? तो आपको बता दूँ, आज आपका भाई आपके लिए लेके आया है न्यू ट्रेंड, राइट? इंस्टाग्राम रील्स वीडियो कैसे एडिटिंग करें, वो भी कुछ इस टाइप के, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हो, इस टाइप के अगर आप रील्स वीडियो आप अपलोड करोगे, मोटिवेशन हो गए, अगर आपका पेज मोटिवेशन है या फिर बिजनेस के बारे में या फिर हेल्थ के बारे में या फिर फैक्ट के बारे में, तो अगर आप इस टाइप के रील्स वीडियो अपलोड करने के बाद में आपके पेज पर आप अपलोड करोगे तो 100% मैं कहता हूँ वीडियो वायरल होने का बहुत ज़्यादा चांस बनेगा, राइट? क्योंकि ये वाले रील्स वीडियो आपने देखा बहुत ही कम लोग बना रहे, अभी तक नहीं बनाई, राइट? तो आपको बता दूँ इसी टाइप की रील्स वीडियो आप कैसे बना सकते हो अपने पेज के लिए। तो आज इस वीडियो के अंदर आप एंड तक देख रहे हैं ना, इस वीडियो के अंदर आज आपको मैं सब कुछ बताने वाला, राइट? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को तो सब्सक्राइब कर, वीडियो को भी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो को लाइक किया करो, राइट? चलो वीडियो करते स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो इनशॉट एप्लीकेशन होती है उसको आज आपको जो ओपन कर देने का, राइट? एंड ओपन करने के बाद में आपको जो यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको जो वीडियो पे क्लिक कर देने का, एंड वीडियो पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो भी आपको वीडियो एडिटिंग करनी है वो वाली यहाँ पे वीडियो आपको जो सेलेक्ट कर देने के, राइट? तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में नीचे राइट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक कर देने का, एंड उसके बाद में आपकी यहाँ पे वीडियो आ चुकी है, राइट? देख सकते हो मेरी यही वाली वीडियो, राइट? तो इसको प्ले भी करके देख सकते हो आप, राइट? ये मेरी ये वाली वीडियो, तो आपको क्या करना है, आपको इसी तरह दो वीडियो और इसको ऐड करने की, राइट? तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा PIP, राइट? पिप पे आपको क्लिक कर देने का, एंड क्लिक करने के बाद में आपकी कौन सी वीडियो उसको वापस यहाँ पे राइट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आपकी वीडियो आ जाएगी, राइट? यानी कि ऐड हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो आई तो इसको जो इसकी लेंथ होती है वो आपको इसको बड़ी कर देने की, राइट? जैसे कि इस तरीके से, राइट? जिसकी फुल है उतनी आपको रख देने की, राइट? फिर उसके बाद में सबसे ऊपर सही से इसको एडजस्ट कर देने का, एंड एडजस्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक कर देने का, राइट? एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, वापस पिप पे आपको क्लिक कर देने का है PIP पे, एंड क्लिक करने के बाद में वापस आपको एक वीडियो वही ले लेनी है, राइट? और लेने के बाद में आपकी वीडियो यहाँ पे वापस आ गई, जिसको क्या करना है, वापस उसको आपको सही तरीके से इसको फुल स्क्रीन कर देने का, राइट? जैसे मैं इस तरह से कर रहा हूँ, राइट? कर दी, फिर इसके बाद में आपको देख सकते हो यहाँ पे आपकी वीडियो आ चुकी है, राइट? तो अब आपको क्या करने का, तो आपको दोनों वीडियो के ऊपर ऊपर नीचे आपको गैप दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर यहाँ पे आपको साइड में ऑप्शन दिखाई देगा कैनवास का, राइट? यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, एंड क्लिक करने के बाद इसकी साइज है थोड़ी सी आपको बड़ी कर देने की, राइट? यानी कि 0 है तो आपको कम से कम 2 कर देने की, राइट? 2 या 3, एंड उसके बाद राइट पे आपको क्लिक कर देने का, राइट? एंड राइट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना, आपको वापस वहाँ पे क्लिक कर देने के बाद में आपको वापस इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देनी है, राइट? जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, राइट? यानी कि 4 कर 4 कर देता हूँ, राइट? एंड उसके बाद यहाँ पे आपको वापस प्ले करके देखने है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका गैप है जो बिल्कुल ही चला गया, राइट? तो आपको इसी तरह से कर देने का, राइट? एंड करने के बाद में अब आपको क्या करना है, आप कहोगे भाई मेरे को अपने पेज का जो वाटरमार्क होता है उसको भी ऐड करने का, राइट? तो ऐड करने के लिए आपको क्या करने का होता है, सिंपल से आपको ऊपर आपको दिखाई देगा टैक्स, राइट? तो यहाँ पे आपको टैक्स पे क्लिक कर देने का, यानी यहाँ पे आपको लिख देना आपका पेज का क्या नाम है, राइट? जैसे कि मैं लिख देता हूँ मेरे पेज का नाम मोटिवेशन आ गया, राइट? लिख दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको कलर दिखाई देगा, शेडो दिखाई देगा, बॉर्डर दिखाई देगा, जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो, राइट? फिर उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट भी आपको मिलेगा, तो फॉन्ट भी आप रख सकते हो, जो भी आपको रखना चाहते हो वो वाले, जैसे मीडियम हो गया, जो भी आपको अच्छा लगे वो रख सकते हो, राइट? एंड उसके बाद यहाँ पे आपको फोर्थ नंबर पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको टैक्स ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हो, राइट? लेकिन सिंपल रहेगा तो बहुत ज़्यादा बेस्ट लगेगा, राइट? फिर उसके बाद लास्ट में 5 नंबर ऑप्शन है इन और आउट एंड लॉप का, राइट? आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा बेसिक के अंदर, तो बेसिक के अंदर आपको कोई भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप ये भी है, जो भी आपको रखना चाहते हो वो रख सकते हो, राइट? अगर आप ज़्यादातर सिंपल रखोगे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, राइट? फिर आउट के अंदर भी यही ऑप्शन है, एंड लॉक के अंदर भी यही ऑप्शन, राइट? अलग अलग आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद में आपको लेने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देने का, एंड राइट पे क्लिक करने के बाद में जो ये आपने नाम लिखा आपका पेज का उसको जो आपको सही से एडजस्ट कर देना, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा कर देना है, एंड साइड में आपको जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे आपको जिसको रख देने का, राइट? यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, फिर उसके बाद इसकी लेंथ वो आपको बढ़ा देने की, राइट? जैसे मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ इसकी लेंथ, जितनी आपकी वीडियो उतनी आपको लेंथ इसकी सेम टू सेम रख देने की, राइट? तो बहुत ज़्यादा बेस्ट लगेगा प्रोफेशनल, राइट? तो यहाँ पे देख सकते उसके बाद में हो गए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट पे आपको क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद इसको वीडियो को आपको जो प्ले कर देने का, राइट? तो आपकी वीडियो देखो बहुत ज़्यादा बेस्ट लग रही है, राइट? एकदम प्रोफेशनल तरीके से एडिटिंग की ऐसी भी लग रही है, एंड साथ में
आपको ये भी लगेगा कि अब ये वाली वीडियो बहुत जल्दी वायरल होगी, तो 100% आपकी ये वाली वीडियो वायरल भी होने वाली, राइट। अगर आप सही से वीडियो एडिटिंग करके, अच्छी वीडियो एडिटिंग करके अपलोड करोगे तो, राइट। एंड उसके बारे में बात करते हैं, आपके यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है आपको इनशॉट, राइट, यानी कि इस एप्लीकेशन का वाटर मार्क, उसको आपको कैसे रिमूव करना है, राइट। तो आपको कहना इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड फ्री रिमूव, राइट, यानी कि कोई ऐड होती है तो ऐड आएगी तो आपको ऐड देख लेनी है, फिर उसके बाद में इसका वाटर मार्क होता है वो है जो ऑटोमेटिक है जो रिमूव हो जाएगा, राइट। तो उसके वजह से आपका जो वाटर वीडियो पे जो वाटर मार्क होता है वो नहीं आएगा, राइट। तो अब देख सकते हो अब है जो हट गया, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर सेव बटन पे क्लिक कर देने का एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देने का वापस, राइट। तो आपकी यहाँ पे वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको ये वाली एप्लीकेशन आपको जो गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, राइट, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, राइट। यहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद आप एडिटिंग कर सकते हो एंड आई होप कि आपको ये वाला वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। आपको ये वाला वीडियो पसंद आए वीडियो कर दो कोई लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो चैनल पर देखने के लिए मिलेगी, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।